टाइलें लगी हैं, पक्का पाथ बना हुआ। वो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या थी पहले, क्या हुई है, लेकिन फ़ायदा क्या है? इतना पैसा लगाने के बावजूद यहाँ पे रूम के अंदर जो 2-3 लाख रुपए का सामान, जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये सारा पानी अंदर जा रहा है, ख़राब हो रहा है। और पिछले 1 साल में आप मेरे को बताएं ग्राम सभाएं कितनी हुई यहाँ पे? मैं इनके साथ पहले भी फैन लिया था, आज ही मैं फैन लेने को तैयार हूँ। कुलदीप जी कहते हैं कि पंचायत सचिव चेंज कराना वो कोई इशू नहीं है, कहीं भी काम करना होगा हम कर लेंगे काम, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन आती है हम वैसे काम कर लेंगे। जी मुद्दा जो आता है, मुद्दा जो आता है कि पंचायत दर्ज से काम ठीक नहीं हुआ है, पहले उसका क्लियर करना हमें। गौरव जी लोगों को लोगों हाँ जी जी पिछले 1 साल में कितनी ग्राम सभाएं यहाँ पे हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे कमरों की हालत देख के ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल से ये कमरे खुले नहीं है, ताले नहीं खुले हैं। जनाब मैं आपको इसके बारे में सबूत नहीं दे सकता हूँ कि जब सरपंच जी ने इनके लिए अनाउंसमेंट की, मीटिंग के लिए अनाउंस किया, इनमें से कोई नहीं आया था। अच्छा, और यहाँ तक मेरे पास रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं, जी 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 सरपंच जी के मैसेज पड़े हुए हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज हम नरवाल पंचायत घर के पास में आए हैं और जानेंगे अंदर की क्या हालात है। मैंने पहले भी, इससे पहले भी हमने जो है 2-3 बार रिपोर्ट करके आपको बताया था कि क्या कंडीशन थी इस पंचायत घर की। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ हालात में बदलाव आया है या नहीं। और यहाँ से जब हम गेट से एंटर होते हैं, पहले हमें ये जो पक्का पाथ है ये नहीं यहाँ पर दिखता था, अब कुछ बदलाव जो है वो आया है और ये पक्का पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ डेवलपमेंट जो है इस पंचायत घर की हुई है, और जो झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी साइडों पे, वो आज जो है वो कम दिख रही है। हालांकि कांटे वगैरह तो हैं यहाँ पे, तो लेकिन ये जो पक्का पाथ है ये एक नई डेवलपमेंट जो है ये पंचायत घर में यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हालत जो थी पहले भी ऐसी ही थी, यहाँ पर इस तरह से ही जो है पानी इकट्ठा रहा करता था। आज भी ये पानी जो है इसी तरह से इकट्ठा है, और एक पंचायत घर के पास में इस तरह से ये पानी जो इकट्ठा, गंदा पानी जो है इकट्ठा होना कहीं ना कहीं बीमारियों को न्योता देने के जैसा है। और पंचायत घर के अंदर के हालात भी हम आपको दिखाएंगे, और ये देखेंगे आप यहाँ से, ये पूरी जगह जो है ये पंचायत घर के अंडर ही आती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा, पंचायत घर के पास में एक बाथरूम भी बनाया गया है, और बाथरूम का यूज़ कब होगा, कैसे होगा, ये समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो लगा दिया गया है लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको। वो छोटी सी पानी की टंकी है, उसमें पानी नहीं है, और इसका जो फ्लैशिंग टैंक है वो भी एक ड्रम जितना होता है 200 लीटर का, उस ड्रम के जितना जो है इसका टैंक बनाया गया है। और कितनी देर तक ये यूज़फुल रहेगा, हालांकि एक डेवलपमेंट जो ये पक्का पाथ के रूप में ये डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। अगर रूम्स के अंदर की हम बात करें, जब हमने पहले 2-3 बार रिपोर्ट किया था तो इस तरह से जो ये टाइल्स वगैरह जो थी ये पंचायत घर में नहीं थी, अब जो है ये एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है कि ये टाइल्स जो हैं दीवारों पे ये लगाई गई हैं। हालांकि कमरों की अगर हम बात करें, काफ़ी बदतर हालत है, आप देख सकते हैं, देखने से ही लग रहा होगा 5-6 महीने से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हुई है। और कैसे यहाँ पे लोग आएंगे, कैसे यहाँ पे मीटिंग्स होंगी, किस तरह से पंचायत जो वो बैठेगी यहाँ पे, और जो अंदर के हालात हैं वो भी हम आपको तस्वीरों के ज़रिए जो है दिखाएंगे। ये हमारे पंचायत घर की डेवलपमेंट, और कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे जो है टाइलों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो तालाब यहाँ पे बना हुआ है, ये तालाब जो है यहाँ से इस नाली के ज़रिए जो है ये पानी यहाँ पे अंदर आता है। ये पूरा तालाब यहाँ पे बना हुआ है, पूरे मच्छर गंद दुनिया जहान का, और इतनी स्मेल यहाँ पे, ये देखेंगे आप यहाँ पे इतना गंदगी के ढेर लगे हुए, एक तालाब जो है। ये पंचायत घर के अंदर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और ये डेवलपमेंट है। ये साइडों पे टाइलें लगा दी गई हैं, फर्श पे टाइलें लगा दी गई हैं, लेकिन रूमों की काफ़ी बुरी हालत है। यहाँ पे हमारे साथ नायब सरपंच असलम साहब मौजूद हैं, पंच साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। नायब सरपंच साहब, क्या कारण है, मतलब कुछ डेवलपमेंट तो देखने को मिल रही हैं, टाइलें तो दिख रही हैं लेकिन साफ़ सफाई नहीं है। ये पक्का पाथ तो दिख रहा है लेकिन अंदर इतना पानी है कि हमें यहाँ पे इस तरह से खड़े होना पड़ रहा है, टाइलों के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? नरवाल पंचायत से सर, जो काम था काम किया हुआ है, पैसे लगाए हैं, 4-5 लाख रुपया लगाए हैं। देखो अंदर से पहले नहीं था ये, ऐसे तो पैसे लगाए हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, लेकिन सर ये पानी की है, जो पीछे यहाँ से नाली आती है ना, उसका पानी जो है वो सारा पंचायत घर के अंदर आता है। तो एक आधी बार उन्होंने बंद भी कराया, फिर लोगों को परेशानी होती है, लोग फिर से तोड़ लेते हैं उसको।
तो ये वीडियो साहब को भी बोला कि कम से कम उन लोगों को भी सुविधा मिल जाइए जिनके यहाँ पानी यहाँ पे आता है, उन लोगों को अगर दूसरी नाली निकाल के दे दें तो फिर ये पानी नहीं आएगा यहाँ पे। तो वो ज़्यादा काम भी नहीं था, 2-3 लाख रुपये का काम था। 2-3 बार बोला वी डी ओ साहब को भी बोला और भी पंचायत सेक्रेटरी कि ये काम रखो और इस काम को जल्दी करो ताकि उनका पानी वहाँ पर निकल जाए और पंचायत घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई हो सके। ये उसी की वजह से परेशानी है। अब ये आज की परेशानी नहीं है, अब ये 2.5-3 साल हो गए जब से हम बने हैं तभी से परेशानी आ रही है। देखो ये आपने देखा हालत, अभी फर्नीचर का सामान आया है कम से कम 2-2.5 लाख रुपये का सामान अंदर पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ वहीं से पानी भी सारा अंदर जा रहा है, पानी सारा अंदर आ जा रहा है, पूरा पानी अंदर है। ये देखो आप निशान देखो, काम किया होगा देखो, 4-5 लाख का लगाया है इस पर लगाए। अगर पैसे लगाए, अगर कोई बंदा अपने मकान पर पैसे लगाता है तो देखो उसकी कितनी साफ सफाई रखता है, हैं ये पैसे लगाए कम से कम पैसे हैं ना, बिल्कुल देखो किसने पैसे दिए हैं तो कम से कम इसके लगाया पैसा है, इसका देखभाल होना चाहिए था। लेकिन किसने करना देखभाल, हम तो करते हैं, हमारे से जो होता है वो करते हैं, लेकिन अब हमारे पास पैसे ही आएंगे तो फिर हम नाली का काम लगा सकते हैं ना। ये भी नहीं कि हमारे पंचायत में पैसे नहीं पड़े हैं, पैसे भी पड़े हैं, पता नहीं काम क्यों नहीं लगाते हैं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सरपंच की ओर से दिक्कत आ रही है, सेक्रेटरी की ओर से दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट की ओर से दिक्कत आ रही है? देखो सरपंच ने तो पंचों ने क्या करना है, एक रेगुलेशन बना के देना है पंचायत सेक्रेटरी को, आगे पंचायत सेक्रेटरी और अप्रूवल तो पंचायत सेक्रेटरी हो गया तो बी डी ओ साहब ने देना है ना। बिल्कुल, अगर वो अप्रूवल देंगे ये काम शुरू करो तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम कल ही काम शुरू कराएंगे। अब उनकी तरफ से दिक्कत आ रही है, पंचायत सेक्रेटरी की तरफ से हो गया, बी डी ओ साहब की तरफ से, उनकी तरफ से दिक्कत आ रही है, हमारी सब तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने बोला ये काम करो, हमने इतना सा काम किया ये नहीं, फिर वहाँ पे पानी बंद किया था, लेकिन पानी बंद करने से रोड में जो पूरा भर जाता है रोड, फिर लोगों को ये आती है परेशानी, और लोगों को परेशानी, लोग किसके पास जाएंगे, लोग उनका मसला भी तो हमने हल करना है ना, उनका कोई और तो नहीं करेगा, उन्होंने ही हमारे पास आना है, तो हमने मसला ये हल करना है अगर नाली बन जाए वो अच्छे तरीके से बिल्कुल पंचायत घाट ठीक ठाक हो जाए। लेकिन ये नाली को बनते हो गए 2.5 साल हो गए, अभी तक किसी ने बी डी ओ साहब भी कितने चेंज हो गए, ये 5वीं बार बी डी ओ 5वां बी डी ओ आए, हम हर एक वीडियो के साहब के पास गए, अभी जो लगे हुए हैं उनके पास भी गए, 2 चक्कर लगा के आए उनके पास, उन्होंने बोला मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन के बाद बिल्कुल ठीक है, एक बार अगर नाली बन जाएगी पंचायत घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। पंच साहब आपसे जानना चाहूँगा मैं, सरपंच और पंच जो होते हैं पंचायत घर के मालिक होते हैं, उनको लोगों ने चुना होता है, पंचायत घर जिसका नाम घर रखा गया होता है वो 5 साल के लिए जो है उन सरपंच और पंचेज का घर होता है, तो इस घर की इतनी बदतर हालत आखिर क्यों? रफा जी पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपको, जो टाइम पे टाइम हमारी बातें आगे तक पहुँचाते हैं आप, जहाँ पे जो आप आज देख रहे हो ना, मैंने पिछली पंचायत में नहीं देखा है, उसके पहले भी जब मैंने इलेक्शन ली तब भी मैंने नहीं देखा है। देखो आज मैं मानता हूँ मैं इस घर बन गए, आज उन्होंने पानी जहाँ डाल लिया, मगर कल किसी का घर होगा क्या कोई दोबारा इशराक करके तो वहाँ पर पानी डालेगा? नहीं डालने देगा। मेरा मतलब इसको पानी बंद करें, पंचो सरपंच बंद करें इसको, जाए गली में जिसको तकलीफ हुई देखी जाएगी। आज हमें परेशानी है, लोगों के काम कर रहे हैं, अब 2.5 साल तो हमारे निकल गए, अब पीछे रह गए 2.5 साल। तो अब जो पंचायत सेक्रेटरी है, मैंने उसके पहले भी मैंने कंप्लेन की है, मैंने पीछे भी नारे लगाए थे उसके खिलाफ मैंने, तो मैंने बोला इसको इसकी इंक्वायरी करो। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे आता नहीं है, अच्छा अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं, आपने देख लिया पूरा अपने जो इसका हाल है, बहुत बुरी हाल है, इधर जहाँ पे वो आता नहीं है। हमें दिए 21 डिपार्टमेंट, जब हम आएंगे तो 21 डिपार्टमेंट आएंगे ना, वो अपनी पॉलिसी बताएंगे हमें, हम आगे तक लोगों तक पहुँचाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 साल हमारे बिल्कुल बेकार किए इस पंचायत सेक्रेटरी ने, नया है, मैंने बी डी ओ साहब को बोला हमें कोई पुराना बंदा दे दो पंचायत सेक्रेटरी, कोई दे दो जी, हमें कोई लेना देना नहीं, जो पंचों को भी चलाए वो सरपंचों को भी चलाए, भाई ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है। अब देखो जैसे हमारे नया सरपंच ने बताया पैसे पड़े हैं, अब पैसे को करना क्या है, कैसे करना है? देखो अब मैंने पहले बताया कुछ मेरी 2-3 बाड़ें ऐसी है, जैसे 1 नंबर बाड़ में काम नहीं हुआ, ठीक है जी, स्कूल का काम हुआ साझा काम है, उसके मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ, क्या वो उसकी 2.5 साल हो गया, उसकी बाड़ में काम भी होना चाहिए था। अब 4 नंबर बाड़ है, इसकी बाड़ में भी काम होना चाहिए था। अब वार्ड नंबर 3 में उसमें भी काम नहीं हुआ, उसमें भी काम होना चाहिए था। 5 नंबर 5 उसमें भी काम होना चाहिए था, काम नहीं हुआ, पैसे करने क्या रखे? मेरे पास पुराना पंचायत सेक्रेटरी वो इनको बताया भाई ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर बात बनती है। नया पंचायत सेक्रेटरी है जहाँ पर आता नहीं है, मैं बोलता हूँ उसके जो पैसे हैं, जब वो साल जहाँ पर आया नहीं उसको तनख्वाह किस लिए देनी है? मैं बोलता हूँ गरीबों को दे दो, गरीबों को बांट दो। आज आज पिछले 1 साल से आपने पंचायत सेक्रेटरी की शक्ल नहीं देखी है? मैंने देखी थी, जहाँ पर नहीं आया। हाँ अब मैंने सुना है कोई 2-3 5 दिन पहले कोई काम शुरू हुआ जहाँ पे कहीं तालाब है वहाँ पे कोई आया था, मगर जहाँ पे नहीं आया जी वो है।
जहाँ पे नहीं आया जी है, हो सकता आया मैंने ऐसा सुना था मैं वहाँ आया, मगर मैंने नहीं देखा जी उसको जहाँ पे। और उसके खिलाफ मैं वीडियो पास भी गया, नेशनल मेरे साथ थे, पंच मेरे साथ थे, मगर उन्होंने बोला इसको हम चेंज करते हैं, पुराना बंदा हमको दे देते हैं, सात दिन का टाइम दे दो। पंच साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, और जब हमारे पंचायत घर की ये हालत है तो हम पूरी पंचायत का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं पंचों से, सरपंचों से क्या उम्मीद करें? अब रफा जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एक चाचे का मकान था पिछली बार उसका एक किस्त मिली थी भाई, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आप यकीन मानो दो उसने किस्तें लेनी है, अब 3 साल हो गया जी। मुझे शर्म आती है, मैं किसी को बताऊंगा बोलो यार पंच यार इधर सरपंच यार हम अपना फैसला नहीं करते, किसी का क्या फैसला करना हमने जी। यकीन मानो अब उसको 2 किस्तें नहीं मिली, एक बाथरूम था किसी लेडीज़ का विधवा बेचारी, ना कोई बाथरूम का काम हुआ ना कोई मकान का काम हुआ, 2.5 साल में नहीं काम हुआ कोई भी जी। अब लोगों के पास कैसे जाएंगे दूसरी बार, मुझे जी रानी आती है मुझे कैसे जाएंगे। देखो अब बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है पंचायत सेक्टरी का, पंचायत सेक्टरी का और पंचायत कौन जोड़ कौन होता है आपके समझ से? पंचायत सेक्टरी अगर चेंज हो जाए, हो सकता है कि नरवाल पंचायत की और पंचायत घर की डेवलपमेंट हो सकती है? जी जी जी, पंचायत सेक्टरी चेंज हो जाए तो मैं कहता हूँ वो अच्छा चलाएगा, क्योंकि इनको देखो थोड़ा समझाने की दे रही है भाई, जो पंच को ऐसे चलाना है सरपंच जी ऐसे करना है ऐसे करना है, वो कोई मसला नहीं है, वो हो जाता है। देखो आज देखो हालत देखो जी बनी हुई है ना, किस लिए पंचायत सेक्टरी नया है, उसने पहले कहीं नहीं किया है, नया जहाँ पे आया है पंच भी नए हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ गई ना। मैंने वीडियो साहब को जो ही बोला हमें कोई पुराना बंदा दे दो, एक बंदा दे दो हमें, कोई दे दो जी पुराना, हमें कोई किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमने काम करवाना जी 2.5 साल सारे रह गए हैं। अब देखो पंचायत में पैसे पड़े हैं, उस पैसे का फायदा किया जी बताओ मुझे? अब वो सरपंच को वही समझाए ना भाई पैसे पड़े हैं भाई लगाओ उसको भाई लगाओ, जिस बाड़ों में काम नहीं हुआ लगाओ उसको। देखो मैं तो पहले कहता हूँ जी 40 लाख आता है 7 पंच हैं 35 लाख हो गया, 4 है तो 40 लाख हो गया, अब 8 बजे कर लो पंचों को बोल दो भैया अपने बाड़े 5 लाख का अभी एस्टिमेट बना दो भाई, एस्टिमेट 5 लाख जहाँ लगा दो, 1 लाख जो 5 लाख लगा सरपंच के बाद अपनी मर्जी जिस मर्जी बाड़ में लगाइए, हमें कोई लेना देना नहीं जी। बिल्कुल, तो मैं बोलता हूँ पंचायत सेक्टरी कोई पुराना हो तो सारे काम हो सकते हैं जी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है यहाँ नरवाल पंचायत के जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनसे भी हो सके, और जो BDO साहब सतवारी के हैं ब्लॉक के उनसे भी हम बात करेंगे, पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे पंचायत सेक्रेटरी से। हेलो, हेलो, हाँ जी पंचायत सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं गौरव जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मैं अभी आपके पंचायत घर में हूँ, यहाँ पे इतनी बदतर हालत है, वजह क्या है, इसका कारण क्या है? सर काम तो लगवाया था, अब ये पंच लोग इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं? काम मैंने देखा यहाँ पे पक्का पाथ बना हुआ है, टाइलें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जितना पानी है अंदर समंदर बना हुआ है, अभी हम यहीं पे खड़े हैं। मैंने 10 बार ही बोला है इनको जी, इस चीज के लिए इनिशिएट लीजिए। अब जिम्मेवारी तो थोड़ी बहुत आपकी, जिम्मेवारी तो थोड़ी बहुत आपकी भी। मैंने नहीं, मैं तो बार बार आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे साथ कोई खड़ा होगा तो तभी चलेंगे ना, काम करेंगे ना, मेरे साथ कोई खड़ा ही हो रहा है वहाँ पे, पंचायत के लोग ही नहीं खड़े हो रहे। एक बार मैंने बंद भी करवाया था ये काम, फिर से ये खोल दिया गया। अच्छा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पानी बंद करा दिया था आपने? मैंने पानी बंद करवाया था जहाँ तक कि सारे पंच इकट्ठे हुए थे, राइट नाउ अभी कोई पंच इकट्ठा नहीं हो रहा। सरपंच मैडम को मैंने 10 बार बोला है कि हाँ भाई इसके बारे में इसे बंद करवाना, वो भी कह रहे हैं कि पंच ही नहीं इकट्ठे हो रहे तो मैं कैसे करवाऊं बंद। अभी हमने मतलब यहाँ पे हमें बुलाया गया है, नायब सरपंच यहाँ पे मौजूद है, पंच यहाँ पे मौजूद है, ये बोल रहे हैं कि पूछिए नायब सर, पूछिए नायब सरपंच जी को, मैंने कितनी बार बोला इनको इस टाइम निषेध कीजिए। अब ये लोग आएंगे आगे तो मैं भी तो साथ में चलूंगा ना, मैं तो सबको बोल रहा हूँ इकट्ठा करने के लिए बोल रहा हूँ सबको। इनकी तरफ से क्या आपको डिले हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, मैं पिछली बार भी बंद करवा के गया था लेकिन इन्होंने फिर से खोल दिया, पता नहीं किसने खोला किसने, हम लोगों ने पुलिस भी बुलाई थी जाते हैं तो, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ इनको। अच्छा, तो दिक्कत यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होनी है, वो ये लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं पानी के लिए, अब पानी कहाँ लेके जाए, हम लोग ही नहीं रास्ता दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हम लोग जा रहे हैं कि हम हमें रास्ता दे दो, हम काम निकाल देते हैं, आप काम बना देते हैं, ड्रेनेज बना देते हैं आपके लिए। बिल्कुल, तो ड्रेनेज बना क्यों नहीं रहे हैं? नहीं ड्रेनेज तभी बनाएंगे ना, लोग हमें रास्ता दें, कहाँ से बनानी है, हमारे 3 वीडियो वहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन लोग सीधे मुंह पे बोल देते हैं कि भाई जी ये नहीं होगा। अच्छा, हम नहीं रास्ता देंगे, तो मुद्दा ये आता है कि हम रास्ता कहाँ से लें। अच्छा,
मतलब जब तक रास्ते का समस्या हल नहीं होगी तब तक ये जो पंचायत घर का ये जो पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे ढाई मैंने हाँ मैंने इनपे हाथ दे सकते हैं। मैंने कल भी मैसेज किया सरपंच मैडम को, कल भी मैसेज किया हुआ इसके लिए। मैंने अपने नायब सरपंच जी को भी बोला हुआ है कि इसका इनिशियल लीजिए, सभी इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे होकर इसका कुछ हल निकालो। बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं इसका। अच्छा अच्छा इनकी तरफ से। कुलदीप जी तो बोल रहे हैं हमें जो है पंचायत सेक्रेटरी ही नया चाहिए, इनको अनुभव नहीं है, एक साल हो गया आपकी शक्ल देखे। वो उनका अलग मुद्दा है, वो पंचायत सेक्रेटरी अलग चाहते हैं, वो ले लें कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुद्दा अभी अभी मुद्दा पंचायत सेक्रेटरी का है या पंचायत घर का, और मुद्दा ये देखना है कि क्या करना हमने। पहले तो पंचायत घर का देखना है, या तो पंचायत सेक्रेटरी चेंज करवाना है इन्होंने, बिल्कुल काम करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है और जिम्मेवारी के मुताबिक जो काम दिया जाता है। पंचायत घर का जो काम जो लगा हुआ था ये हमारे हमारे ना सरपंच जी ने ही काम लगवाया था, ऐसा नहीं है उन्होंने काम लगवाया। नहीं वो काम तो दिख रहा है, यहाँ पे टाइलें लगी हैं, पक्का पाथ बना हुआ, वो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या थी पहले क्या हुई है, लेकिन फायदा क्या है इतना पैसा लगाने के बावजूद। यहाँ पे रूम के अंदर जो 2-3 लाख रुपए का सामान जो फर्नीचर पड़ा हुआ है ये सारा पानी अंदर जा रहा है, खराब हो रहा है। और पिछले एक साल में आप मेरे को बताएं ग्राम सभाएं कितनी हुई यहाँ पे। मैं इनके साथ पहले भी फैन लिया था, आज ही मैं फैन लेने को तैयार हूँ। कुलदीप जी कहते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी चेंज कराना वो कोई इशू नहीं है, कहीं भी काम करना होगा हम कर लेंगे काम, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन रखी हम वैसे काम कर लेंगे। गर्व जी मुद्दा जो आता है कि पंचायत दर्ज से काम ठीक नहीं हुआ है, पहले उसका क्लियर करना हमें। गर्व जी लोगों हाँ जी जी पिछले एक साल में कितनी ग्राम सभाएं यहाँ पे हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कमरों की हालत देख के ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल से ये कमरे खुले नहीं है, ताले नहीं खुले हैं। जनाब मैं आपको इसके बारे में सबूत भी दे सकता हूँ कि जब सरपंच जी ने इनके लिए अनाउंसमेंट की, मीटिंग के लिए अनाउंस किया, इनमें से कोई नहीं आया था। अच्छा और यहाँ तक मेरे पास रेजोल्यूशन भरे हुए हैं, जी 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 सरपंच जी के मैसेज भरे हुए हैं कि यहाँ पे सरपंच ने सबको इनवाइट किया, इनमें से कोई पहुंचता नहीं है। अच्छा ये उल्टा हम पर बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं आए। नहीं अब ये आपसी खींचातान में मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है ना, अब ये पंचायत घर में हमें मालूम है, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ, और भी पंच लोग हैं उनसे पूछिए कहाँ उनसे प्रॉब्लम आ रही है। जी 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 हम उनसे भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, नरवाल पंचायत में क्या क्या दिक्कत आ रही है। तभी वो हमारे लिए बोल जाए कुछ, तभी बोलेंगे। मुद्दा ये है पंचायत घर का, पंचायत घर हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके ये ठीक करवा दूंगा मैं। जी 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 तो ये मतलब पानी वानी की समस्या से मतलब लोगों को निजात मिल जाएगी। ये विदिन डेज में मैंने इनका काम भी डाला हुआ है, कुछ ना तो कुछ मैं अल्टरनेट निकाल रहा हूँ। अच्छा मुझे मालूम है ये तो, जब पूरी पंचायत इकट्ठी होगी तो इसका कोई ना तो कोई हल निकल जाएगा, और मैंने इसका काम भी डाल दिया, ड्रेनेज का काम डाला हुआ मैंने। अच्छा अच्छा चले चले एज सून एज पॉसिबल से ठीक हो जाएगा। चले शुक्रिया शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है भाई शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंचायत सेक्रेटरी जो नरवाल पंचायत के हैं गौरव जी, और जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि विद इन डेज जो है इस तालाब से, इस गंदे तालाब से जहाँ पे इतने मच्छर गंद स्मेल आ रही है, खड़े होना मुश्किल हो रहा है, हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि आम जनता को और एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड रियलिटी पता चल सके कि असल में ग्राउंड पर होता क्या है, कागज़ों में क्या हो रहा है और ग्राउंड पर क्या हो रहा है। और इस तरह से ये हालत है नरवाल पंचायत की, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है सतवारी ब्लॉक के उनसे भी हमारी बात हो सके, और उनका इस पे क्या कहना है उनसे भी हम जो है जाने की कोशिश करेंगे, क्या कारण रहे कि क्यों इतना डिले हो रहा है एक पंचायत घर, इतनी बदतर हालत, इतने पैसे लगाने के बावजूद भी इतनी बदतर हालत इस पंचायत घर की क्यों है।